फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मैनोमाइक का रिव्यू। देखते हैं मैनोमाइक कैसा वो है, ठीक है। इस कूरियर के अंदर हम आपको मैनोमाइक दिखाएंगे, मैनोमाइक मंगाया है मैंने ऑर्डर करके, ठीक है। और इसमें देखेंगे कि कैसे इसकी पैकेजिंग है, कैसे आया है, ठीक है, सब चीज़ इसके बारे में, और इसके अंदर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट निकलते हैं जो मैनोमाइक के अंदर होता है। चलिए तो फ्रेंड्स, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए इसको हम कट करते हैं, देखते हैं कि कैसा निकलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मैनोमाइक, ठीक है, और ये इसके साथ बिल आया है। चलिए इसको हम साइड में कर रख देते हैं, ठीक है। बिल जो है वो 1286 रुपये का है, ठीक है। चलिए इसको हम साइड करते हैं, और ये निकला है हमारे अंदर एक मैनोमाइक, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। चलिए इसको हम ओपन करते हैं, फिर देखते हैं कि कैसा इसके अंदर क्या क्या निकला है, ठीक है। मैनोमाइक जो है ये मैंने मंगाया है AU103, ठीक है, AU103 मंगाया है मैंने, ठीक है। इसमें ऐसा है कि एक तो इसमें प्रूफ करता है कि नॉइज़ कैंसिलेशन है, ठीक है, वो भी अल्ट्रा नॉइज कैंसिलेशन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसको हम ओपन करते हैं, ठीक है। देखिए कैसा निकला, पहले तो आप देख सकते हैं कि इसकी पैकेजिंग कैसी है, ठीक है। चलिए फिर इसको ओपन करते हैं हम बिना टाइम को। एक ये निकला हुआ है, ये तो आप जानते हैं एजन है, ठीक है। इसके अंदर एक ये निकला है हमारे पास, ठीक है, और एक क्लिप, और ये हमारा मैनोमाइक, इसको हम बहुत प्यार से निकालेंगे। ये है माइक हमारा, और फ्रेंड्स ये तो हो गया हमारा। इसमें देख रहे हैं वायर कितनी, मतलब यहाँ पे हम दो जगह इसको स्टॉप कर सकते हैं, एक तो जहाँ हमारा इसके बाद वाले पे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे लिए जितना हमारा स्टेबल लगता है वायर हम उतना कर सकते हैं, यहाँ पे जितना हम स्टेबल लगता है उतना वायर हम कर सकते हैं। इसमें टोटल 20 फीट का वायर मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें एक हमें दो तरीके का वो मिलते हैं ऑप्शन, ठीक है, चाहे आपको जैसे आपका वो हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जैक होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और हमें इसमें दो बैटरी मिली है, ठीक है, जहाँ तक, और एक हमें वारंटी कार्ड मिला है, चलिए इसको भी, इसको सारे बिलिंग का है, ठीक है, चलिए। और इसके अंदर हमें एक पॉली बैग मिला है, ठीक है, जो कि हम इजीली कैरी कर सकते हैं। इसके अंदर भी कुछ है, चलिए हम देखते हैं पहले को। देखिए इसमें एक बड़ा एडवांटेज ये है कि इसके साथ हमें दो मिले हैं, ठीक है, एक कहाँ गया, एक ए रहा और एक ए रहा, ठीक है। ये ज़्यादातर माइकों में नहीं मिलते हैं, सिंगल ही मिलते हैं। देखिए एक हो जाए तो एक आपके पास अवेलेबल रहेगा, ठीक है, सेम ऐसे ही इसमें भी है कि एक हो जाता है तो एक आपके पास अवेलेबल रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, देख सकते हैं आप अच्छी क्वालिटी का है, कितना अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है। और ये हमारे पास माइक है, ठीक है, एक तो कैमरा मोड के लिए है, स्मार्टफोन मोड के लिए, ठीक है, ये हमारे पास नॉइज कैंसिलेशन के लिए है, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स, इसको हम दिखा देते हैं आपको। देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है, कितना मतलब एकदम छोटा सा है कि पता भी नहीं चलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस चीज़ के लिए हम आपको इसका रिव्यू दिखाते हैं कि कैसा रहता है। देखिए जैसे सेल का यूज़ हमारा ज़्यादातर कैमरे के लिए यूज़ होता है, जबकि अगर हम स्मार्टफोन में यूज़ कर रहे हैं तो सेल का यूज़ नहीं होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें तो आज निकलती जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और इसके साथ हमें दो ये मिल रहे हैं, ठीक है, जो हम कहते हैं प्योरीफाई के लिए, प्योरी करता है साउंड को, ठीक है, ये भी गुड है, ठीक है। चलिए इसको चेक करते हैं क्या कैसा रहता है, क्या रहता है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं हम। अब इसकी देखिए, अभी आप हम लोकल माइक की आवाज़ सुन रहे थे, ठीक है, और एक बार अब आप इसकी आवाज़ सुन के देखेंगे कैसा लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने मैनो का माइक अब अपने कैमरे में लगा लिया है, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए इसमें पहले तो आपको यहाँ पे भी एक टाई करने के लिए मिल जा रहा है, आपको अपने अकॉर्डिंग वायर सेट करने के लिए, एक यहाँ पर भी वायर सेट करने के लिए मिल जा रहा है, और एक रिमोट मिल रहा है, कंट्रोलर मिल रहा है, मानिए एक कंट्रोलर है, ठीक है, यहीं पर आपकी बैटरी लगती है इसी में, ठीक है। एक यहाँ पर आपको मिल रहा है एयरफोन लगाने का ऑप्शन, ठीक है। बाकी माइकों में क्या होता है कि आपको पहले ऑक्सीजन निकालना पड़ता है, तब जाके आप अपनी साउंड सुन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप एक ईयरफोन लगा के अपने साउंड को भी सुन सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं स्मार्टफोन में या कैमरे में, ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं कितना आपको साउंड की क्वालिटी चाहिए, मतलब कितने एरिया को कवर करना है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस माइक में आपको कैसा साउंड का आ रहा है आवाज़, और पहले के माइक में कैसा साउंड का आवाज़ था। थैंक यू फ्रेंड्स।